डिजिटल पब्लिक स्कूल प्राइवेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ क्राइसेंथेमम मतलब गुलदाउदी की खेती। ठीक, तो सबसे पहले इसका जो वनस्पति के नाम क्या है उसको जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसके कल्टीवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पहले इसका क्या है वनस्पति नाम क्राइसेंथेमम स्पीसीज। ठीक, स्पीसीज इसलिए लिखा गया है क्योंकि हर जगह इसके अलग अलग प्रजाति को उगाया जाता है। तो किसके प्रजाति को? क्राइसेंथेमम के। ठीक, तो इसकी फैमिली क्या है आपके? कंपोजिटी। और इसको उत्पत्ति स्थान कहाँ से? यूरोपीय एशिया से। ठीक, इसको पहले यूरोपीय एशिया में देखा गया उस हिसाब से इसको उत्पत्ति वहां से कहा जाता है। ठीक, उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? यूरोपीय एशिया। देखो इसके कुछ मेजर मेजर की पॉइंट है जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो उस मेजर पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे कि जनरली ग्रोन ऑन क्राइसेंथेमम मोरिफोलियम। ठीक, ज्यादातर जो क्राइसेंथेमम मोरिफोलियम की प्रजाति है उसको ज्यादा उगाते हैं क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है वो आपके या तो पोट में लगाओ या तो नॉर्मल रॉकरी में लगाओ अच्छा दिखता है। ठीक, और एक बेसिक चीज यहाँ ध्यान रखना, हमारे वार्षिक स्पीसीज में अगर देखा जाए, एनुअल स्पीसीज की बात किया जाए, तो क्राइसेंथेमम करिनेटम और क्राइसेंथेमम कोरोनेरियम की ये दो ऐसे प्रजाति हैं जिससे क्या लिया जाता है? मेनली प्रोपोगेटेड लिया जाता है। प्रोपोगेटेड मतलब होता है आपका प्रसार। प्रोपोगेटेड मतलब होता है आपका प्रसारण या प्रवर्धन। ठीक, प्रसारण कहने का मतलब क्या है? एक बीज से दूसरे बीज या एक पौधे से दूसरे पौधा बनाने की जो विधि अपनी चलती है तो आपका प्रसारण या प्रवर्धन कहलाता है, चाहे प्रसारण चाहे पायुवी। प्रसारण कोई भी विधि हो सकता है, चाहे वह बीज के चाहे आपके बीज के थ्रू ले सकते हो, चाहे तो आपके प्लांट के कोई भी भाग से जैसे कटिंग लेते हैं, राइजोम लेते हैं, रूट लेते हैं। ठीक, लेकिन इसके अलग अलग क्या है करेक्टर के बेस पे सबको लिया जाता है। ठीक, और दूसरा इसे क्या बोला जाता है? क्वीन अपिस्ट या ग्लोरिया अपिस्ट। ठीक, एशिया या ईस्ट की क्या है? एक रानी। ठीक, यही बस याद रखना ना, जबकि क्वीन ऑफ फ्लावर आपका क्या होता है? रोज। किंग ऑफ फ्लावर क्या होता है? डहलिया। जबकि क्वीन ऑफ ईस्ट क्या होता है आपका? क्राइसेंथेमम। ठीक, ये आपकी क्या है पीएटी क्वेश्चन एग्जाम बेस से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको डबल स्टार कर लेना जो भी आप। अब नेशनल फ्लावर जापान। ठीक, जैसे अपनी कंट्री की क्या है नेशनल फ्लावर? क्या है? लोटस है। ठीक, कमल है। वैसे जापान की क्या है? क्राइसेंथेमम। ठीक, जापान की नेशनल फ्लावर है। क्लियर, क्राइसेंथेमम इज लूज फ्लावर। लूज फ्लावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसके पंखुड़ी होते हैं वो फैले हुए होते हैं, मतलब गुच्छे रूप में रहते हैं और फैले हुए रहते हैं। जैसे आप मोंगरा देखे चाहे गेंदा की बात करो, गेंदा तो कंजस्टेड आ जाता है गुच्छा, फिर मोंगरा क्या है पंखुड़ी 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 क्या फैला रहता है ऐसे। ठीक, सैचुरेट रहता है, इसीलिए इसको लूज फ्लावर कट फ्लावर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि कट फ्लावर का एक बेसिक डिजाइन होता है। जैसे कट फ्लावर क्या एक शेप में ऐसा जाता है और ऊपर में फैलता है। ठीक, लेकिन आपके लूज फ्लावर में क्या होता है जब बर्ड से निकलता है तो एकदम से फैलता है। ठीक, अब उसको ऐसे दबाओगे तो ऐसे फैले ही जाता है। जैसे अगर कट फ्लावर की बात करूं मैं गुलाब में तो नहीं फैलता। ठीक, तो क्या कहलाइए आपका? लूज फ्लावर। क्लियर, दूसरा क्राइसेंथेमम में दो टाइप के प्लांट लगते हैं आपका, एक एनुअल और पर्नियल, एक वर्षीय और बहुवर्षीय। लेकिन यही ध्यान रखना आपके इनवर प्लांट से ही ज्यादा क्या करते हैं प्रसारण करते हैं मतलब प्रोपोगेटेड करते हैं। क्लियर, इसके दो मेजर जो स्पीसीज है। ठीक, क्राइसेंथेमम करिनेटम और क्रोनेरियम। ठीक, क्लियर, अब देखते हैं इसके आगे
कैसे इसको उगाएंगे, ठीक, फिर इसको कैसे प्रोसेसिंग करें। तो पहले देख लेते हैं इसका क्या क्लाइमेट। तो कौन से क्लाइमेट में पौधा अपने आप का परफॉर्मेंस बेटर करेगा उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक। तो पहला देखो ध्यान रखो ये क्या है, आपका कोल्ड क्लाइमेट का प्लांट है, मतलब ठंडी जलवायु में क्या है अपने आप को बहुत अच्छा ग्रो करता है, परफॉर्मेंस अच्छा देता है, ठीक। पहला यह क्या है कोल्ड क्लाइमेट के प्लांट। दूसरा विंड टेम्परेचर गोज अबाउ 26 सेल्सियस ग्रो मोर देन यानी मतलब 26 सेल्सियस से ज्यादा, एक 26 मोर देन इससे ज्यादा सेल्सियस क्या होता है अपने आप को ग्रोथिंग स्टेज होता है इसका बढ़ाव। ग्रोथ स्टेज मतलब होता है पौधों की बढ़वार। तो पौधों की बढ़वार कौन से सेल्सियस टेम्परेचर में सबसे अच्छा होगा, 26 मोर देन 26 सेल्सियस से ज़्यादा भैया 26 सेल्सियस तक 25 सेल्सियस तक भी चलेगा, लेकिन उससे और डिक्रीज हुआ तो पौधा का बढ़वार क्या हो जाएगा स्टम्पी हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा पौधा का बढ़वार रुका तो हमारे इसमें प्लांट में फ्लावरिंग आना क्या हो जाएगा छोटा छोटा होगा अनएट्रैक्टिव होगा, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, क्लियर। और जब सीड सोइंग कर रहे हैं तो 16 से क्या होना चाहिए 20 सेल्सियस होना चाहिए, ठीक। दो ही टाइम मेनली देखा जाता है आप, ठीक, आपके फसल में दो टाइम मेनली टेम्परेचर को बहुत नोटिस किया जाता है, पहला होता है जब सीड सोइंग कर रहे हैं, दूसरा होता है आपका पौधा का बढ़वा, ठीक, बाकी टाइम उतना नहीं रहता, ठीक। सीड सोइंग टाइम क्या 16 से 20 सेल्सियस होना चाहिए और पौधा के बढ़ाने ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो पौधा है कौन सा क्लाइमेट का है, कोल्ड क्लाइमेट का है, ठीक, ठंडी सीजन का है, ये आपका क्लाइमेट हुआ, ठीक। अब क्लाइमेट पता चल गया कि कैसे जलवायु में पौधा क्या करेगा ग्रो करेगा, ठीक। तो अब क्या देखेंगे उसके मिट्टी, हमें तो जलवायु पता चल गया कि इस जलवायु में पौधा अच्छा उगेगा, लेकिन ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी मिट्टी उगेगा, ठीक। तो इसके लिए सैंडी लोम या लोमी सॉइल दोमट या क्या होगा मटियारी दोमट, ठीक, ये दोनों क्या होगा दोनों सॉइल में अपने आप को अच्छा ग्रो करेगा, ठीक। वेल ड्रेनेज होना इसलिए बहुत जरूरी क्योंकि जितने भी फ्लावर होते हैं सिर्फ रोज को छोड़कर, क्योंकि गुलाब का पौधा क्या होता है वुडेड लाइक नेचर होता है, मतलब काष्ठीय होता है, जबकि क्राइसेंथिमम ले लो चाहे डहलिया ले लो चाहे टेगेटस ले लो गेंदा ले लो क्या होते हैं सब ये लोग कोरस नेचर वाले होते हैं। या पोरस नेचर या हर्बेसियस नेचर मतलब शाकीय होते हैं और पाइप नुमा होता है उनका तना, ठीक, इसलिए इन लोग ज्यादा पानी होता है या ज्यादा नदी होता है तो उसको क्या करते हैं सहन नहीं कर पाते, ठीक, रेजिस्टेंस शो करते हैं सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक, और गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए वेल ड्रेनेज होना बहुत जरूरी है, ऐसा सॉइल जहाँ पानी का निकास की सुविधा बहुत जरूरी हो वहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए जल धारण क्षमता वहाँ की जमीन की होना चाहिए ताकि हमारे प्लांट क्या हो समय समय पर नमी को उपलब्ध होते रहे, ठीक। अगर वहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जल धारण क्षमता नहीं है तो आपको इरिगेशन ज्यादा मात्रा में देनी पड़ेगी, क्लियर। इसलिए बेसिक यही ध्यान रखना कौन से सॉइल है और ये क्या है और किस लिए है, ठीक। मैं तीन चीज बता दी फ्रैक्चुअल पोरस नेचर है, ठीक, और हर्बेसियस नेचर मतलब साकी पौधा है, पोरस मतलब क्या होता है आपका पाइप नुमा उसका तना रहता है इसीलिए वेल ड्रेनेज की सुविधा बहुत जरूरी जल निकासी, क्लियर। आप देखते हैं इसका सॉइल प्रिपरेशन और हाँ पीएच 6.5 या 6.8 इतना आसपास रहना चाहिए, क्लियर। सॉइल प्रिपरेशन की बात करूं तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि हम फ्लावरिंग प्लांट ले रहे हैं तो उसमें क्लाउड छोटे बने, ठीक, ढेले क्या होगा छोटे हो, कारण जितने भी जनरली कुछ जो फ्लावर है उनको छोड़ के बाकी फ्लावर का जो रूट होता है क्या होता है फेवरस नेचर का होता है, ठीक।
ध्रुव क्या होता है, फेबरस नेचर का होता है, ठीक, ऊपरी जड़ वाली, ऊपरी सतह वाली जो भी बोलो। इसलिए क्या करें, टू टाइम डीप प्लाउंग एंड वन टाइम शेलो प्लाउंग, ठीक, दो बार अच्छे से गहरी जुताई करके कब करना चाहिए, समर सीजन में, ठीक, समर सीजन में जब आपकी जमीन खाली पड़ी हो उस समय क्या करते हैं हम, सॉइल को रिचार्ज करते हैं, सॉइल का प्लॉविंग समझो, सॉइल का रिचार्ज, क्योंकि अगर सॉइल जब रहता है तो कॉम्पैक्टनेस बना जाता है, ठीक, बन जाता है, मतलब वो दबा रहता है, फिक्स रहता है, ठीक। तो समर समय, समर टाइम में इसलिए जुताई करते हैं, बेसिकली मिट्टी क्या होता है, ढीला होता है, ठीक, और रिचार्ज करने मतलब क्या होता है, जब मिट्टी का जब हम सॉइल प्लॉइंग करते हैं, जुताई करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, मिट्टी नीचे मिट्टी ऊपर आता है, फिर सोलर रेडिएशन आता है, ठीक, टेम्परेचर बढ़ता है जिससे, और क्या होता है दूसरा, मिट्टी को खोलता है, एयरेशन होता है, बस सब जितने फिजिकल क्रिया होती है, इससे क्या होता है, मिट्टी का रिचार्ज होता है, ठीक। इसीलिए समर सीजन में ज़्यादा प्लॉइंग बहुत जरूरी है, टू टाइम क्या होगा, डीप प्लॉइंग करो, दो बार क्या गहरी जुताई करो, ठीक, उसके बाद एक बार सैलो प्लॉइंग, ठीक, ऊपरी जुताई करके क्या करो, आपको 25 टन FIM उसमें मिला लो, ठीक, FIM मतलब होता है फॉर्म या मैन्यूर, उसको अच्छा से मिला दो, फिर पाटा चलाकर क्या करोगे, खेत को बराबर, क्लियर। और सोइंग के पहले एक बार हल्की सिंचाई बहुत जरूरी है, ठीक। जनरली इस टाइप के जो प्लांट है या पौधे हैं इसको ऐसी पूरा नहीं सोइंग करते, ठीक, जैसे गेंदा वेंदा का सोइंग करते, वैसी नहीं करते, ठीक, छोटी 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 गड्ढे बनाते हैं ऐसी, ठीक, छोटी 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 गड्ढे बनाते हैं, बकायदा उसका डिस्टेंस आगे बताऊंगा, फिर उसमें सोइंग करते जाते हैं, ठीक। जो भी फ्लावरिंग की खेती करते हैं तो ऐसा क्या है, हम लोग का सीरियल क्रॉप या पल्सेस क्रॉप नहीं है कि हम उसको बीज में आप फर्टिलाइजर को अप्लाई करें, ठीक। इसमें क्या होता है, जनरली दो टाइम या अप्लाई कर सकते हो या एक टाइम अप्लाई कर सकते हो, फील्ड प्रिपरेशन टाइम डाल दो, या तो आपको लगे कि आपके खेत में आपके प्लांट में क्या हो, किसी तत्व तो को लेकर स्ट्रेस फील हो रहा हो या वो अपना सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हो कि इस तत्व की कमी के कारण, ठीक, लक्षण बता रहे हो, तो उस टाइम हम सेकंड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक। जनरली नाइट्रोजन को ही दो बार दिया जाता है, ठीक, वन हाफ बेसल डोज, वन हाफ आपका टॉप ड्रेसिंग, ठीक, एक बार बेसल डोज के रूप में, एक बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में, ठीक। तो एनपी का इतना रेशियो रखते हैं, 120 केजी नाइट्रोजन, 100 केजी आपका फॉस्फोरस और 50 केजी आपका पोटास, ठीक। पोटास की मात्रा इसलिए कम रखता है क्योंकि इसमें एक डिजीज लगता है, वो है आपका मोल्ड, ठीक। इन डिजीज को मेनली ध्यान में रखते हुए आपके पोटास की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक। देखो वन बार नाइट्रोजन की आधी मात्रा को एक बार देते हैं और फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा को पूरा पूरा दे देते हैं, ठीक, या पोटास की भी मात्रा को बचा के रखते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं एक बार में दे देते हैं, और हाल नाइट्रोजन को बेसल डोज के रूप में
जब खेत की तैयारी करते रहते उस टाइम क्या करते हैं, आधा नाइट्रोजन की भाग दे देते हैं और वन हाफ ड्रेसिंग के थ्रू में, ठीक। टॉप ड्रेसिंग मतलब, टॉप ड्रेसिंग मतलब होता है जब पौधा खड़ी अवस्था में हो तो उस टाइम हम या तो फोलियर स्प्रे करेंगे या तो नॉर्मल छिड़काव करेंगे, ठीक। फोलियर स्प्रे होता है मतलब जितने भी फर्टिलाइजर ब्लॉक को घोल करेंगे, ठीक, छिड़काव के रूप में देना क्या कहलाता है आपका, फोलियर स्प्रे कहलाता है, ठीक। अब इसका वन हाफ कब देना है, सोइंग के 40 दिन बाद, ठीक, या तो एक महीना बाद। कब अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई ट्रांसप्लांटिंग 40 डे आफ्टर दैट, 40 दिन बाद, ठीक। जैसे हम पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, ठीक, तो उसके जैसे ट्रांसप्लांटिंग के 40 दिन बाद आधी जो बची नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम अपने खेत में क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक, जिससे पौधे की रुकी हुई बढ़वार क्या हो जाती है, ग्रोथ होती है। नाइट्रोजन का काम ही क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ करना, ठीक। हमें लगता है कि हमारा पौधा का जो ग्रोथ रेट है वो रुक गया है, ठीक, इसीलिए उसकी आधी मात्रा को देते हैं। अगर मैं साइंटिफिक की बात करूं तो नाइट्रोजन का काम क्या होगा, पहला होगा वेजिटेटिव ग्रोथ, और दूसरा बात करूं मैं, अगर नाइट्रोजन के बाद हम एक बार में अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, इससे डिजीज लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ हाई फाई होता है और या तो आपका बर्न हो जाएगा, बर्न ऑफ प्लांट। बर्न ऑफ प्लांट बोलने से मतलब क्या है, आपका पौधा जल जाएगा, उगेगा नहीं, ठीक, क्योंकि ये ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है ज्यादा, ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ ईयरली मात्रा में यूज करते हैं, ठीक। बीमारी या कीड़े लगने के चांसेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, मतलब ज्यादा हो जाते हैं, ठीक, इसलिए सब चीज के बाद को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन फास्फोरस क्या उस हिसाब से अप्लाई करते हैं, ठीक, क्लियर। आधा यूज करते हैं, पूरा यूज नहीं करते हैं, उसको बेसिक दे देंगे, ठीक। और ये पीएम की मात्रा हम क्या करते हैं, जब खेत का प्रिपरेशन करते रहते उसी टाइम हम क्या करते हैं, मिला दिए रहते हैं, इसीलिए देने की जरूरत नहीं। अगर लगे उस केस में हम पर 10 kg, इसमें कम होता है 5 kg पर 5 pot बोलने से मतलब होता है कि हम क्या उसको फैले देखना, ये पॉलीथीन की क्या होती है, अब क्या हुई अपने जमीन की तैयारी हो गई, उसमें हम खाद भी दे दिए, ठीक, तो अब क्या करेंगे, उसको लगाना है, ठीक, तो लगाने कैसे, हमें पता है कि प्रोपोगेशन भी होता है, सीप भी होता है, देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक।
में दो ही मान। दो टाइप के हम प्रोपोगेशन करते हैं, बाइसिल और बाई टर्मिनल कटिंग। ठीक, तो आपका टर्मिनल कटिंग क्या होता है, यही आपका कमर्शियल प्रोपोगेशन, व्यवसायिक रूप से इसी दो को करते हैं, मेनली इसको करते हैं ना, बाइसिल को नहीं करते हैं। ठीक, मेनली प्रोपोगेशन रूप में जो कमर्शियल रूप में क्या करते हैं, टर्मिनल कटिंग करते हैं। टर्मिनल कटिंग कहने का मतलब क्या होता है, आपका प्लांट है। ठीक, तो एबव द सॉइल नहीं करते, जमीन से थोड़ा ऊपर नहीं करते, उसके लास्ट पोर्शन से करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ फ्लावरिंग आ रहा है तो एकदम फ्लावरिंग उसके पास ही नहीं है, थोड़ा यहाँ से यहाँ यहाँ आपका फ्लावर आ रहा है। ठीक, तो बीच वाली भाग को हम करते हैं, ये आपका टर्मिनल का है, चाहे चुनी हुई ऐसी शाखा से यहाँ से यहाँ। ठीक, क्या कि नहीं, जो चुनी हुई शाखा क्या होना चाहिए, हम जब लगाते हैं जनरली 15 से 25 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, लंबी लंबी चुनी शाखा को हम लगाते हैं। ठीक, मतलब इतना डायमीटर सेंटर के ही आप कटिंग करो। ठीक, जो और ये ध्यान रखना चाहिए उसमें बड़ भी होना चाहिए, ठीक, कम से कम उसमें दो बड़ होना बहुत जरूरी है। जब आप लगा रहे हो, कट कर रहे हो, तो उसमें ही छोटा छोटा बर्ड होना बहुत जरूरी है, यही इसका आई है। ठीक, जर्मिनेशन यहीं से होता है ना, ऐसे निकलता है। ठीक, इसीलिए बर्ड होना बहुत जरूरी बोलते हैं। क्लियर, अगर मैं बात करूं एक एकड़ में कितना लेना है, तो जनरली 45,000 प्लांट आ जाते हैं एक एकड़। लेकिन आपका प्लांट में उस बेस पे बताया हूँ, आपके डिस्टेंस के ऊपर। ठीक, मान लो मैं नॉर्मल डिस्टेंस लिया हूँ 30 × 30 सेंटीमीटर, इस डिस्टेंस की बात करूं मैं यहाँ भी रखूं 30 × 30, तो कितना प्लांट आएगा, 35,000। ठीक, आपके डिस्टेंस के हिसाब से पौधे आते जाते हैं। पहले क्या, पहले देखो हम पौधे को मेन खेत में से छोटा 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 क्या बनाते हैं, गोला बनाते हैं। ठीक, हम उसको तैयार क्या, एक तैयार किए हुए पॉलीथीन में, जब इसका सेट सही करते हैं आगे बताते जाऊंगा मैं कैसे करते हैं, ऐसे गोला में लगाते हैं। ठीक, इसी आर ओ पी के बेस में हमें क्या रखा हूँ, इतना प्लांट आता है। अगर मैं सीड रेट की बात करूँ तो नहीं बोल सकता मैं, सीधा हम क्या करते हैं, मेन फील्ड में ग्राउंड प्लानिंग करते हैं, तो उसी को बोला जाता है कि एकड़ में कितना प्लांट आएगा, तो आपका 45,000। ठीक, प्रोपगेशन पता चल गया, अब सोइंग टाइम देखेंगे और कब लगाते हैं। ठीक, सोइंग टाइम और कैसे लगाते हैं, अगर मैं डायरेक्ट सीड ले रहा हूँ उसका लगाने का तरीका मेरा दूसरा रहेगा। ठीक, अगर मैं कटिंग ले रहा हूँ दूसरा दूसरा रहेगा। हमें बेसिक ये पता रहना चाहिए जो पौधा कौन से सीजन का है, तो कौन सीजन का है आपका, कोल्ड सीजन का है। ठीक, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सोइंग की टाइम करेंगे। तो जनरली ये याद रखना चाहिए कि किस टाइम हम कर रहे हैं, तो इसका बहुत स्टेज आए। ठीक, तो कैसा रहना चाहिए और आपका सोइल टेम कैसा रहना चाहिए, ये दो मेन डिसाइड करता है आपके क्लाइमेट को और उसके टेम्परेचर को। ठीक,
अगर मैं नर्सरी बनाने की बात करूँ कब बनाना चाहिए, सितंबर में, ठीक। एस बी का मतलब है सितंबर, ठीक। एस बी का मतलब है सीबी का सितंबर, नर्सरी पे बना रहे हैं, ठीक। जस्ट उसकी कितने दिन बाद, एक दो महीना बाद हम क्या ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे, ठीक। एक दो महीना बोलने से क्या होगा, दिसंबर जनवरी, एक दिसंबर जनवरी मतलब आप, ठीक, इस टाइम क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। नहीं, सितंबर को एक महीना बाद, सॉरी अक्टूबर आएगा, अक्टूबर नवंबर तक हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, फिर वो दिसंबर जनवरी तक क्या होगा, फ्लॉरिंग आ जाएगा, ठीक। एक महीना बाद ना, दिसंबर जनवरी को क्या फ्लॉरिंग स्टेज है ना, उसको भूल गया था, सॉरी। हम सितंबर क्या नर्सरी प्रिपेयर हो गए ना, नर्सरी हम खेत तो प्रिपरेशन कर लिए, फिर छोटा छोटा चेक बना के हम क्या कर लिए, नर्सरी बना लिए मान लो, ठीक। तो सितंबर तक हम नर्सरी डाल चुके हैं, ठीक। अक्टूबर में क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, ठीक। अक्टूबर में क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, ठीक। फिर वो कब, उसके जस्ट एक दो महीने बाद क्या करते हैं, फ्लॉरिंग आना चालू हो जाता है, ठीक। इसी बीच में हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन देते हैं ना, अगर प्लांट के बेस में अगर पौधा आपका कमजोर है, सही ढंग से बढ़ा नहीं है, तो उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देते हैं, ठीक। ये आपका क्या हो गया, सोइंग टेक हो गया, क्लियर। डिस्टेंस तो मैं बता दिया हूँ, आरपी कितना रख रहे हो आपका, 30 × 30। ये जो 30-30 क्या है, जब हम खेत बनाते हैं क्या बनाते हैं, उसको छोटी छोटी गोला बनाते हैं, मतलब गड्ढे खोदते हैं, ठीक। छोटी छोटी गड्ढे खोदते हैं, फिर इसके अंदर रेत मिट्टी वो भी डाल रहे हैं, ठीक। फिर इसी में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। और नर्सरी हमारा लगा कैसा है, वो पॉलीथीन में लगा है, इसमें भी लगाते हैं, नर्सरी में लगाते हैं तो, ठीक। और डायरेक्टर सीडवेल में, लेकिन देखा गया है इस जो पौधा है, सेवंती का जो क्रॉप है, वो इसमें ज्यादा अपने आप को परफॉर्मेंस नहीं दिया है, मतलब इसीलिए इसको पॉलीथीन के छोटे छोटे बैग में लगाया है, ठीक। उसके बाद आपके मेन खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर देते, ठीक। आप लोग बहुत देखे होंगे नर्सरी में ऐसी पौधा क्या होता है, छोटी छोटी पॉलीथीन के बैग में ही होते हैं, ठीक। ऐसी उसमें क्या मिट्टी डला रहता है, जिसको बोलते हैं मीडिया, ठीक। जो मिट्टी और रेत और एफ आई एम का क्या होता है, मिश्रण होता है, उसको बोला जाता है मीडिया, ठीक। ये तीनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक। फिर जैसे ही इसमें पत्तियां हैं, 3 से 4 पत्तियां दिखे, या आपका पौधा 42 दिन पुराना हो, उसको क्या करते हैं, हम मेन खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। दो चीज हमेशा याद रखना, पहला जब प्लांट में 3 से 4 लीफ, जब पौधा में 3 से 4 लीफ आए, या 42 से 45 डे, ऐसा भी, ठीक। या तो इतना भी नहीं देगा तो आपको 40 दिन देगा, अब ये मत बोलना कि सर हम सितंबर में लगाए तो अक्टूबर में ट्रांसप्लांटिंग की, दिसंबर जनवरी में आ गया, ठीक। तो हम जब सितंबर में कब ये कब लग गया है, तो इसमें सितंबर, ठीक, इसमें 3-4 पौधे आ गए, क्या आ गए हैं, लीप आ गए, कब आ गए, अक्टूबर में, तो 40 दिन बोलो तो इतना है। लेकिन वो वैरायटी के हिसाब है ना, किसी का ट्रांसप्लांटिंग होना, जितने भी आप कोई भी क्रॉप ले, एग्जाम्पल के लिए मैं इसका कोई भी स्पीसीज उठा लूँ, तो भाई उसका करेक्टर अलग रहेगा, ठीक। उसमें पत्ती आने के करेक्टर अलग रहेगी, कोई भी क्या, हम पढ़ते हैं ना अर्ली वैरायटी, मेन वैरायटी, लेट वैरायटी, तो वैरायटी के हिसाब से उसमें लीफ आएगा। तो इतना याद रखना, जब पत्ती में 3 से 4 लीफ आ जाए, या तो पौधा आपका 1 महीना पुराना या 40 दिन पुराना हो, तो क्या कर सकते हैं, हम उसको मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करें, ठीक। ये बस बेसिक होते हैं, ठीक, इस दो चीज को ध्यान रखना, ठीक। अगर 3-2 1 या 2 लीफ है, एग्जाम्पल के लिए,
अगर दो पत्तियां हैं उस टाइम अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका पौधा क्या होगा, सही ढंग से बढ़ा नहीं होगा। उसका कारण ये भी है, हम खेत में पहले से क्या किए, तैयार किए, उसमें हम पूरा अपना फर्टिलाइजर डाल चुके हैं, ठीक डाल चुके हैं, फिर इसमें यहाँ लाए, फिर क्या करेगा ये बढ़ोहार की स्थिति में आगे बढ़ेगा, ठीक। तो भाई इसकी कैपेसिटी क्या है, सिर्फ अभी 2 लीटर, ये 2 लीटर से स्टार्टिंग से खाना बनाना चाहिए, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा जो आता है फिजियोलॉजिकल जो भी भौतिक कारण होता है तो उसको झेल नहीं पाता, ठीक। एक सहन करने के लिए भी प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्थिति होना चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज उस स्थिति में नहीं है तो कोई बाहरी आक्रमण क्या करेगा, उसको फेस नहीं कर पाएगा, मतलब झेल नहीं पाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं 3 से 4 लीट को तब ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। उस अवस्था में क्या होता है, आपका जो तना होता है वो भी मोटा हो जाता है, ठीक। अब जो 4 पत्तियां आती हैं तो जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं वो बड़ा हो जाता है, ठीक। इसलिए क्या होता है, ये दोनों सहन कर लेते हैं, इसलिए देखना नहीं झड़ते हैं, ये तीनों स्ट्रांग होते जाते हैं, ठीक। क्लियर, ये ध्यान रखना कि हम उस पॉलीथीन को जब लगा रहे हैं, पॉलीथीन वाले जो बैग को लगाते टाइम रिमूव कर देना चाहिए अपने पॉलीथीन को, ठीक। अगर पॉलीथीन को लेके एक साथ लगा दिए तो आपका पौधे का जो जड़ का फैलाव नहीं होगा, जैसे ये पॉलीथीन, ठीक, यहाँ प्लांट लगा तो उसका जड़ का फैलाव यही रहेगा, ठीक, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि पॉलीथीन है बीच, और पॉलीथीन क्या होगा, डिकम्पोज नहीं होता, सड़ता नहीं, तो हमारे सॉइल के लिए क्या है, वो हानिकारक है। इसीलिए जब हम लगाते हैं तो प्रॉपर ध्यान रख के पॉलीथीन को रिमूव किया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक। और दूसरा, ये तो अपना मुख्य खेत हो गया, ग्रीन हाउस, इसकी खेती की अभी तक देखा गया है रिसर्च के मामले में तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है, अच्छा प्रोडक्शन मिला है, ठीक। लेकिन वहां जब करते हैं तो छोटा नर्सरी बना के ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक, या तो वहां नर्सरी नहीं बनाते, सीधा उसी में उगाते हैं। लेकिन जहां ग्रीन हाउस पॉली हाउस में ऐसी क्रिया की जाती है तो वहां कटिंग की जो प्रोपोगेट होता है उसको लगाते हैं, ठीक। स्टेम कटिंग में बताया था टर्मिनल स्टेम कटिंग को ग्रीन हाउस में लगाते हैं, ठीक। तो जनरली डेप्थ क्या रहना चाहिए, 3 से 4 सेंटीमीटर, इतनी गहराई में क्या करते हैं हम कटिंग को लगाते जाते हैं, ठीक। अगर इससे ज्यादा गहराई हुआ तो पौधे की क्या हो जाएगी, उसकी जो कटिंग की कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक, वहां अलग से हमें हार्मोन डालना पड़ जाएगा, ठीक। इसीलिए डेप्थ को भी ध्यान रखा जाता है, क्लियर। अब देखते हैं इसका सीड ट्रीटमेंट, मतलब बीज उपचार, ठीक। कैप्टॉन नाम की एक फंगिसाइड दवा को लेते हैं, उसका 2 ग्राम, ठीक, उसका क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब घोल बनाते हैं, ठीक। फिर उसमें हम सीड को या तो कटिंग को डुबा डुबा के निकाल करके छांव में रखते जाते हैं, फिर जैसे थोड़ा उसका पानी क्या हुआ, हल्का सूखा आपका जो कटिंग, फिर उसको हम क्या करते हैं, मेन फील्ड में अपने अप्लाई करते हैं, ठीक। ट्रीटमेंट इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें ऐसी ऐसी डिजीज लगती है जो सीड बोन में होती है, ठीक, इसीलिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्लियर।
तो आइए देखते हैं इसका वीट कंट्रोल। वीट कंट्रोल में मैं पहले उस दिन बताया कि उसमें जो पहले सेशन में पढ़े थे हम फ्लावरिंग के, तो उसमें बताया था क्योंकि अपने जितने भी फ्लावरिंग वाले क्रॉप होते हैं उसमें हम कुछ कुछ क्रिया करते हैं, जैसे पिंचिंग हो गया, डिस बडिंग हो गया, तो उस समय करते करते हम क्या कर सकते हैं, वीट पर कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए अलग से इसमें केमिकल देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो दो से तीन हैंड होइंग, मतलब एक से दो बार हैंड होइंग मतलब होता है हाथों के द्वारा हम वीट कंट्रोल कर लेते हैं। अब कब करना चाहिए, आप जैसे पिंचिंग कर रहे हैं बोने के एक महीना बाद, ठीक भाई चार हफ्ता मतलब एक महीने एक हफ्ता बोने बाद क्या करते हैं, हम पिंचिंग प्रोसेस करते हैं, चाहे डिस बडिंग करते हैं, इस दोनों क्रिया करते करते क्या करते हैं, हम साथ ही साथ वेट का कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक, इसीलिए अलग से हमें केमिकल देने की जरूरत नहीं पड़ती। पिंचिंग मतलब होता है हमारे आसपास के एक्सिलरी बड क्या करते हैं, रिमूव करते जाते हैं। ठीक, पिंचिंग का मेन उद्देश्य रहता है रिड्यूस प्लांट हाइट, प्लांट की बढ़ाव को रोकना। अगर प्लांट आपका सिर्फ बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग आएगा तो अच्छा नहीं आएगा, या तो फ्लावरिंग ही नहीं आएगा। ठीक, तो एक अवस्था तक हमें उसको रोक देते हैं, कब रोकेंगे, उसके टॉप पोर्शन को तोड़ देंगे, तब इसको टॉप पोर्शन को प्री अवस्था को तोड़ देंगे तो क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक, जिससे उसमें फ्लावर आएंगे अच्छे आएंगे, क्लियर, इसीलिए बोलता है पिंचिंग। और डिस बडिंग मतलब होता है ये क्या है आपका बड, फ्लावरिंग आने से पहले जिन प्रोसेस में बड होता है। ठीक, तो हमें क्या होता है कि एक फ्लावर एक प्लांट में हमें सीमित मात्रा में बड लेना है, अगर ज्यादा मात्रा में हम क्या बड लिए, ठीक, तो आपका जो फ्लावर ठीक सही नहीं आएगा, बड की संख्या ज्यादा मतलब जाहिर सी बात है फ्लावर की संख्या ज्यादा है, जितना ज्यादा बड हुआ उतना ज्यादा आपके खाने का बंटवारा हुआ। ठीक, ज्यादा खाने का बंटवारा मतलब आने वाली आपके जो फ्लावर होंगे क्या होंगे, अच्छे नहीं होंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं हम एक प्लांट में सिर्फ गिनी चुनी बड को छोड़ देते हैं, जिससे जो फ्लावर मिलता है वो अच्छा मिलता है और बड़ा मिलता है और क्या मिलता है, सुंदर मिलता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, डिस बडिंग। ठीक, डिस बडिंग कब करना चाहिए, जब आपका पी स्टेज हो। पी स्टेज मतलब होता है जब आपका बड़ छोटा छोटा नोडुल टाइप दिखाई दे, तब उस टाइम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, प्लांट का खाना प्लस प्लांट का हार्मोनल एक बना रहता है, जिससे एक ही फ्लावर को मिलते रहता है, जैसे इसको ही मिलेगा। ठीक, और हम एक्सिलरी बड को भी रिड्यूस कर चुके हैं पेंचिंग के थ्रू। ठीक,
जो बाहरी शाखा को भी कट कर दिए, जिससे क्या होता है एक सीमित फ्लावर में ही खाना जाएगा और वही क्या होगा अच्छा से खिलेगा। ठीक, ये दोनों क्रिया करते करते हम वीट कंट्रोल कर लेते हैं। क्लियर, अब देखते हैं इसको इरिगेशन। अब पहले देखना बहुत जरूरी है हमारा जो क्रॉप है प्लांट है कौन से जन्म है। तो ठीक, ये क्या है ठंडी जलवायु वाली पौधा है, इसलिए इसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। पहले देखा जाता है सिंचाई में मुख्य बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला इरिगेशन टाइम मुख्य दो बात बहुत जरूरी है, सॉइल आपका क्लाइमेट आपका वहां का मृदा कैसा है, वहां का आपका जलवायु कैसा है। अगर आपके मृदा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल धारण क्षमता क्या है कम है, ठीक, और पौधा क्या करे स्ट्रेस फील करे तनाव पा जाता है या आपके पौधा मुरझा जाए मीटिंग पॉइंट सो करे, तो हम क्या करेंगे इरिगेशन का जो पीरियड है सिंचाई की अवस्था है उसको हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे। ठीक, जलवायु कहने मतलब क्या होता है आपका वहां का जलवायु कैसा है, हमेशा नम जलवायु है कि सूखा जलवायु। ठीक, तो उसके देश में भी हम सिंचाई करते हैं। ठीक, तो समर सीजन में ही सिंचाई की जरूरत पड़ती है। समर सीजन में सबसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर आपके रेनी सीजन में अगर बरसात के समय पानी नहीं गिरता है तो हर इंटरवल में आपकी स्थिति देख के हम सिंचाई कर सकते हैं उसका, क्योंकि बरसात में कोई फिक्स हो नहीं रहता। अगर बरसात जैसे मान लो आज हुआ, ठीक, और एक पांच दिन तक हम देखते हैं नहीं हो रहा है तो इस बीच में हम एक बार सिंचाई कर देंगे। ठीक, लेकिन एक डिसाइड करता है आपकी मौसम भाई, अगर एक दिन सिंचाई बरसात हुआ और अगले चार दिन तक धूप खिला है अच्छी मात्रा में तो हम सिंचाई करेंगे। अगर बदली है, ठीक, अगर मौसम छाया हुआ है तो जैसे छाया रहता है ना बदली रहता है, ठीक, बरसात भी नहीं होती धूप भी नहीं होता मॉइस्चरिटी बढ़ जाती है ज्यादा, ठीक, उस टाइम हम क्या करेंगे सिंचाई बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर, अगर उस टाइम हम सिंचाई कर देते हैं तो हमारे कीड़े लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, इसीलिए बेसिक ध्यान रखा जाता है। समर सीजन में 4 से 5 सिंचाई आप स्थिति देख के करते रहेंगे। ठीक, लेकिन विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि वहाँ जल निकास की सुविधा बहुत जरूरी है। ठीक, अगर आपके खेत में जल निकास नहीं है तो वहाँ डंपिंग ऑफ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, डंपिंग अप क्या है एक प्रकार का बीमारी है जो आने के क्या चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, इसीलिए बहुत जरूरी है जल निकास की सुविधा। ए बस की पॉइंट को ध्यान बहुत रखना बहुत जरूरी है, कब करते क्यों नहीं करते। ठीक, Thank you.
देखते हैं इसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी। वैसे इसकी स्पीसीज के हिसाब से बहुत सारी प्रजाति हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक, जो मेजर मेजर है। स्टार ऑफ इंडिया, ठीक, ये भी क्या है, एक वैरायटी है। दिसंबर, ठीक, स्टार ऑफ इंडिया, दिसंबर, ये सब क्या इसकी वैरायटी है। और गोल्डन चैंपियन, येलो स्टार, मैं बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैरायटी बताते जा रहा हूं ना, इसको याद रखना बहुत जरूरी, याद करना। आपका इंदिरा है, चंद्रिका, दोनों अलग अलग है ना, ये सब वैरायटी भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं इंसेक्ट, पहला क्या है आपका एफिड, क्या है साइंटिफिक नेम माइलस पर्सिका, ठीक, देखो नाम तो पता चल गया कि एफिड लगता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, ठीक, तो उसको पहचानने के लिए देखेंगे तो क्या देखेंगे, उसका लक्षण देखेंगे कि कैसा लगता है, कैसा दिखता है, ठीक। इंसेक्ट का बॉडी कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक, उसको हम आसानी देख सकते हैं, ग्रीन कलर में रहता है। ठीक, और पूरा झुंड में ऐसी रहता है, पूरा फैला रहता है, ऐसी पूरा झुंड में पत्ती भी क्या होता है, फैला रहता है, ठीक, और एकदम धीरे 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 क्या करता है, पत्ती के रस को सब करते रहते, क्योंकि ये सकिंग प्लांट है, चूसने वाली पेस्ट है, ठीक, क्या है, इंसेक्ट है, कीड़ा है, और क्या तो क्राउड ही अटैक करते हैं, मतलब झुंड में अटैक करते हैं।
ठीक, क्या करते हैं ये झुंड में अटैक करते हैं, इसको बोलते हैं क्राउडी अटैक। पहले कहां करते हैं, ठीक देखो ग्रुप में अटैक तो करते हैं, लेकिन कहां कहां करते हैं, पहले लीफ में जाते हैं, लीफ में अटैक करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेम में जाते हैं, फिर आपके बर्ड की ओर जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है जब ये लोग अटैक करते सब करते जाते हैं तो पत्ती का कलर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का होते जाते हैं, ब्राउन कलर। ठीक, पत्ती कलर क्या होते जाते हैं, ब्राउन कलर होते जाते हैं, हरे मिलता जो क्या उसके टिश्यू को क्या सब करते जाते हैं लोग प्लांट के जो होते हैं। ठीक, तो कलर क्या चेंज होते जाते हैं। ठीक, और लिप फाल होने लगती है, लिप क्या होती है, झड़ने लगती है, गिरने लगती है। ठीक, तो ये आपके बेसिक सिम्टम है और दिखता कैसा। अब ठीक, हम देख लिए, पहचान लिए, तो आप इसको जाहिर सी मात्रा में कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपके खेत में एक दो प्लांट में दिख रहा है तो उस भाग को कट करके फेंक देना चाहिए, प्लांट को काट के फेंक देना चाहिए। अगर इसके बावजूद वो ईडीएल लेवल से हाई हो गया तो वहाँ केमिकल यूज करना बहुत जरूरी है, जैसे इंडो कार्बो का यूज करते हैं हम। इंडो कार्बन नामक रसायन को हम रसायन की एक में लेते हैं, उसको पर लीटर वाटर के हिसाब से हम घोल बना के क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे हमारा एपिड को एपिड कंट्रोल हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या है आपका थ्रिप्स, ये भी क्या है, टेस्ट क्या है, सकिंग प्लांट है। क्या है, एक प्रकार के भी सकिंग पेस्ट है। ठीक, फीडिंग रैपिडली ग्रोइंग टिश्यू, पत्ती के बढ़ती हुई जो टिश्यू होती है उसको सब करना चालू करता है, जैसे आपको पत्ती है। ठीक, आता है तो यहाँ जो टिश्यू होती है उसको सब करना चालू करते हैं, जहाँ यहाँ क्या होता है दाग दाग धब्बे धब्बे टाइप का बेदरंग दिखते हैं, इसी को बोला जाता है डिस्कलरेशन। पत्ती क्या हो जाते हैं, बेदरंग हो जाते हैं या बेदाग हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि वो क्या भाई जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, जो हरा भाग होता है उसको क्या करते हैं, सब करते जाते हैं, तो भाई हरा भाग को सब कर लिए, जाहिर सी बात कलर चेंज आएगा, तो कलर चेंज होने के लिए क्या कहते हैं, डिस्कलरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बेदरंग, या तो ठीक दूसरा क्या होता है, लीफ रोलेट एंड फाल। लीफ क्या होती है, जैसे डिस्कलरेशन हो गया पत्ती हरी भाग क्या, फिर धीरे धीरे मुड़ना चालू हो जाती है ऐसे। ठीक,
ऐसी मूल मूल की का और जब इस इंसेक्ट की अवस्था बढ़ती जाती है, ज्यादा फैलते जाते हैं, वो बर्ड स्टेज पे जाते हैं, जब यहाँ पर क्या बर्ड ठीक फ्लावरिंग के पहले छोटी छोटी रहती हैं, ठीक उसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, ठीक। तो उस अवस्था में जब फीड करता है, सकिंग करता है, तो जो बर्ड होता है वो ओपनिंग नहीं हो पाता, ठीक ओपनिंग नहीं हो पाता, खिलन खिल नहीं पाता, और बर्ड क्या होता है, गिरने लगता है। बट क्या होता है, फॉलिंग होने पड़ता है, मतलब गिरना चालू हो जाता है। ऐसे क्या है, सबके सिम्टम है। प्रीपोनिन नाम की दवा होती है, उसको 1 लीटर वाटर में 1.5 लीटर वाटर मिला के क्या करेंगे, इस इंसेक्ट की रोकथाम के लिए हम छिड़काव करें, ठीक। जैसे कहीं कहीं इंसेक्ट में क्या होता है, उसको प्रभाव है, रुक जाता है, ठीक। अब देखते हैं इसके रोग के बारे में, दो मुख्य इसके इंसेक्ट है, अब क्या आते हैं रोग। पहला आता है आपका ब्लैक स्पॉट, ठीक। इसके सीओ मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कौन से पैथोजन के थ्रू क्या होता है, फैलता है। ठीक, सेप्टोरिया ओबेसा नाम के कॉजल पैथोजन के थ्रू क्या होता है, इस इंसेक्ट का, सॉरी इस डिजीज का फैलाव होता है, ठीक। ये याद होना बहुत जरूरी है कि फंगल है क्या है, ठीक। तो एक प्रकार क्या है, फंगल डिजीज है। जितने भी आपके इंसेक्ट या डिजीज सबसे स्टार्टिंग जहां तक कहां दिखते हैं आपके लिए, ठीक, ग्रेनिश कलर, ग्रेनिश मतलब होता है आपका जो हरा, ग्रीन मतलब हरा हो गया, ठीक, ग्रेनिश मतलब वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक। इसी को बोलते हैं ग्रेनिश ब्राउन। ग्रेनिश ब्राउन कलर सर्कुलर स्पॉट ओनली। ये आपका पहला सिम्टम,
वहां स्पॉट तो बनते ही, स्पॉट मींस होता है धब्बा, ब्लैक स्पॉट मतलब ब्लैक काला धब्बा, ठीक। तो ग्रेनिश ब्राउन कलर के क्या होंगे, जब ये हरा रहेगा तो इसका जैसे ये डिजीज अटैक हुआ, ठीक। तो छोटी 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 धब्बा क्या होगी, बनना चाहिए। हरा भाग उठते जाएगा तो यहाँ क्या होगा, ब्राउन कलर होते जाएगा, ठीक, रेड डार्क रेड, फिर उसके बाद धीरे 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 पूरा कलर चेंज जाएगा, ठीक। इसी को बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर मतलब मस्त गोला गोला ना, सर्कुलर गोला बने। फिर धीरे धीरे प्लांट पूरा पत्ती को कवर कर लेगा, ठीक। तो पूरा पत्ती क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो, यहाँ से टूट करके फाल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इस बीमारी की अवस्था बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, येलो टर्न हो जाएगा, ठीक। अल्टीमेटली मतलब होता है पूर्णता क्या हो जाएगा, कलर पूरा चेंज हो जाएगा और ये येलो होके क्या होगा, गिरना चालू हो जाएगा। ये दो सिम्टम याद रखना, पहला ग्रीनिश ब्राउनिंग कलर, ग्रीनिश ब्राउनिंग कलर सर्कुलर स्पॉट ऑन द लीफ, पत्ती में क्या होते हैं ग्रीनिश ब्राउन कलर के छोटी छोटी गोली क्या करते हैं, इसमें धब्बे बनती, ठीक। दूसरा याद रखना, जब बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है तो पूरा क्या हो जाता है, आपको पत्ती पीला कलर का हो जाता है, अल्टीमेटली क्या होता है, कुर्ता क्या हो जाती है, पीला कलर हो जाती है, ठीक। और लीफ फाल होना स्टार्ट हो जाती है, लीफ क्या होती है, गिरना स्टार्ट हो जाती है। अगर लग रहा है तो उसको ध्यान में रखते क्या करना चाहिए, सीट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक। और सीट ट्रीटमेंट भी हो गया, क्योंकि सीट ट्रीटमेंट किससे करते हैं, फंगी सही से ही करते हैं, ठीक। तो उसके साथ साथ हम कैप्टान नामक दवा भी यूज करते हैं, डाइकनेम 45 यूज करते हैं, या कैप्टान या डाइकनेम 45 नाम की जो भी दवा को क्या करते हैं, हम घोल बनाते हैं 400 ग्राम की पर लीटर के हिसाब से, फिर क्या करते हैं हम 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर देते हैं, ठीक। ये सिम्टम याद रखना बहुत जरूरी है, सिम्टम याद है तो आपको अपना डिजीज पहचान लोगे कि कौन सा रोग है, ठीक। और इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि किसके थ्रू हो रहा है, ठीक। तो क्या है आपका, एक कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब आपका पैथोजन नेम, ठीक। हम ज्यादा डिजीज नहीं देखेंगे, जो एग्जाम में पूछता है उसी गिनी चुनी डिजीज को देखेंगे, ठीक। लगने के लिए इसमें बहुत सारे डिजीज लगते हैं, पाउडर वीडियो भी लगती है, वेटर भी लगती है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछते इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देते हम, आपके बुक में भी है उसी हम पढ़ेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। कॉक्सिनिया हेरिनाका, Thank you.
ये क्या है पक्सिनिया हेलियना आपका क्या है सीओ है, किसी एजेंट के थ्रू किसी कारक के थ्रू क्या होती है रोग का फैलाव होता है। इसको व्हाइट रस्ट भी बोला जाता है, ठीक, इस रोग को रस्ट भी बोला जाता है, व्हाइट रस्ट भी बोला जाता है। अब आइए देखते हैं रोग का फैलाव होता है तो कैसा दिखता है, जिससे हम रोग को पहचान सके, ठीक। तो हमें उसके लक्षण देख के ही पहचान लेंगे कि कैसा लक्षण, उस हिसाब से हम पहचान लेंगे, ठीक। पहला, ठीक, कहाँ दिखेगा, लिप के ऊपरी सतह में, अपर सर्फेक्स ऑन लिप, लिप में ऊपरी सतह में दिखना चालू होगा। कैसे दिखेगा, व्हाइट रस्ट से ही पता चल रहा है कि कैसा दिखेगा, ठीक। ये आपका क्या है, लिप है, ठीक। तो यहां पूरा व्हाइट 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 टाइप दिखना चालू होगा, खुरदुरा खुरदुरा होगा, ठीक। लिप के अपर सरफेस में पहले आता है, ठीक। तो कैसा कलर रहेगा, ये व्हाइट कलर रहेगा। ठीक, बेसिक पहले आइडेंटिफाई यही से होता है, यही से देखा जाता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये आपका फूड स्टोरेज फूड वाला पार्ट है, मेकिंग फूड मेकिंग पार्ट है। इस क्योंकि खाना कहाँ बन रहा है, लिप में, ठीक। तो जहां खाना रहे थोड़े उसे गिर जाएंगे ना, इसीलिए लिप में पहले सिम्टम शो होता है, उसके बाद धीरे 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 वो आगे की ओर बढ़ पा रहे हैं, ठीक। तो हम क्या देखते हैं अभी, रस्ट या वाइट रस्ट, ठीक। तो पहला क्या होता है, अपर सरफेस ऑन लिप, लिप के ऊपरी सतह में व्हाइट कलर के क्या दिखाई देते हैं, एक फैला हुआ पूरा भाग दिखा देता है, ठीक। और हरा भाग होता है दबा दिया, ठीक। कैसे दबते जाता है, वो धीरे 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 कलर चेंज हो जाता है, ठीक। दूसरा, पहला सिम्टम हो गया हल्का पहचान लिए, दूसरा सिम्टम क्या होगा, पेल येलो होगा। पेल येलो मतलब देखो क्या होगा, हरा भाग हटते जाता है तो देखना डल येलो, मतलब एकदम फीका टाइप का येलो दिखना चालू होता है, फीका फीका टाइप का पीला कलर चालू होते जाता है, ठीक। आपका किनारे किनारे फीका येलो दिखेगा, ठीक। जैसे इस बीमारी की अवस्था बढ़ती जाएगी तो डर पेल येलो दिखना चालू हो जाएगा। ये आपका राउंड है, ठीक। ये भाग मार, ये भाग वाइट है, किनारे किनारे येलो दिखेगा, तो बाकी ये किनारे आपका ग्रीन रहेगा। देखना ऐसी कलर चेंज होता है, ग्रीन से येलो होते जाता है। फिर बीमारी, मान लो आपको बीमारी ब्लास्ट लगा है तो उसका सेंटर क्या कलर रहेगा, ब्राउन कलर रहेगा, डार्क रेड ब्राउन। किनारे किनारे क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। फिर उसके अगर बगल क्या होगा, ग्रीन रहेगा। तो क्या रहता है, ठीक। अपर आंदलीय मतलब ऊपरी सतह में क्या होता है, पेल येलो दिखना चालू होता है, ठीक। कहाँ, सॉरी, कहाँ पर दिखाई देता है, आपके व्हाइट कलर में जैसे जैसे चेंज होते जाता है, ठीक। दो मेजर सिम्टम होगा। तीसरा सिम्टम क्या होता है, जब पूरा पौधा को कवर कर लेता है, कवरिंग अ प्लांट, ठीक। तो कैसा दिखता है, आपका पौधा पूरा सूख जाता है, ठीक। व्हाइट कलर का पूरा डस्ट से ढका टाइम दिखता है, ठीक। ये तीसरा है ना, कवर अ प्लांट। ड्राई अप, ठीक।
जब भी पूरा बीमारी कवर कर लेता है तो प्लांट कैसा हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है, मतलब सूख जाता है। ठीक, ये रास्ते के बेसिक हो है। अब देखते हैं कंट्रोल। पहला क्या करना चाहिए जबकि प्लांट में बेसिक है, पहले प्लांट में आपका जब दिखे छोटी चीज तो उसको रिमूवल ऑफ प्लांट डेबरिस कर देना चाहिए, मतलब खेत से हटा देना चाहिए। ठीक, और जितने भी रस्ट वाले बीमारी होते हैं उसके लिए क्या कौन सी दवा डालते हैं, कॉपर टाइप का। ठीक, सल्फर पोटेशियम का 4.5 लीटर की जो दवा होती है उसको आप कोल्ड वाटर या हॉट वाटर में सॉल्यूशन बना करके हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। ठीक, या कॉपर की कोई भी दवा भी डाल सकते हैं, कॉपर की कोई भी दवा डाल सकते हैं, या तो सल्फर पोटेशियम आपके पास दवा है 4.5 लीटर तो उसको हॉट वाटर या गर्म पानी या ठंडे पानी में सॉल्यूशन बना क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा हमारे रस्ट से बचाव हो जाएगा, इसके फैलने को हम रोक सकते हैं। क्लियर, इस तरह आपकी वो मेजर जो डिजीज है वो कंप्लीट हुई। एक और डिजीज आती है वो आपका आता है मोज़ेक। ये क्या है, वायरस डिजीज है, ये मेनली तीन ही डिजीज है लेकिन बहुत सारे डिजीज लगते हैं। ठीक, आपके बुक में ज्यादा शॉर्ट नहीं हुआ, इतना भी डिजीज हुआ है, ऑडियो वीडियो भी लगता है इसका बेसिक डिजीज। ठीक, चाहे आपको विल्टर लगता है वो भी बेसिक डिजीज है, तो आपको वायरस के बारे में सीख देते हैं मोज़ेक। ठीक, पहला सिम्टम क्या होगा, ये आपके लीफ के मीड पोर्शन में पहला अटैक करता है। ठीक, तो पहला क्या लिखोगे, मीड लीफ क्या होगा, मीड लीफ मोल्डिंग होगा। When are clearing some? देखो, ये आपको वेंस है, ठीक, जिसको नस बोलते हैं। मिड लिप में दिखना चालू होगा इस किनारे 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 इस रोग, ठीक, काले काले कलर का। तो जब ये बीमारी की बढ़ते जाएगा तो जो वेंस है ये क्या होता है, जो नस होता है वो ग्रीन कलर का रहता है। ठीक, तो इस बीमारी की बढ़ेगी तो स्पष्ट दिखना चालू हो जाएगी, ये कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, ऐसा दिखेगा मानो कोई किसी चीज को, जैसे हम कलर चीज रखे हैं उसको धो देने तो व्हाइट दिखता है। ठीक, तो व्हाइट कलर से स्पष्ट डिप्रेस होना चालू हो जाएगा, मतलब दिखाई देना चालू हो जाएगा, इसलिए बोला है क्लियरिंग, मतलब स्पष्ट हो गया। ठीक, मिड लिप मोल्डिंग या मोल्ट होगा, मतलब ये आपका लिप ऐसे नीचे झुका होना चालू हो जाए, ऐसे इसको बोलते हैं मोल्डिंग। ठीक, मोल्डिंग मतलब नीचे की ओर झुकाव चालू होगा, और उसका जो मेन वेंस है क्या हो जाएगा, क्लियरिंग मतलब अच्छे से दिखना चालू हो जाएगा, ये बीमारी की पहली सिम्टम है। ठीक, Thank you.
दूसरा, जब बीमारी और बढ़ेगी तो आपका पत्ते क्या हो जाएगा, धीरे धीरे येलो होते हुए हुए सूखना चालू हो जाएगा ब्राउन कलर में। ठीक, ये दो बेसिक इसके क्या है सिम्टम। तीसरा, ड्वार्फिंग अ प्लांट, ड्वार्फिंग प्लांट का मतलब होता है आपका पौधा बौना रह जाएगा, नहीं बढ़ेगा। क्लियर, ये तीन मेन बेस्ट सिम्टम है। पहला आपका मिडली मोल्टिंग एंड वेन आर क्लियरिंग, आपका पौधा मोल्ट हो जाएगा और उसके वेन्स क्या हो गए स्पष्ट दिखाई देना चालू होगा। मोल्ट मतलब ऐसी भूख जाएगा, इसकी जो नशे क्या है स्पष्ट दिखेंगे। दूसरा क्या होगा, इंटरवल विलिंग ऑफ लीव, जब इस बीमारी की अवस्था बढ़ती जाएगी आपके पत्ते के चेंज कलर चेंज होते जाएंगे, पूरा क्या हो जाएंगे पीला पीला हो जाएंगे और फाल होना स्टार्ट हो गिरना चालू हो जाएंगे। और जब बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है या बीमारी आपका नर्सरी स्टेज में आता है, जब सीड सोइंग करते हैं उसके एक महीना बाद आता है पौधा क्या रह जाता है आपका ड्वार्फ रह जाता है, मतलब बौना रह जाता है। ठीक, इस तरह इसके सिम्टम मेजर सिम्टम है। और इसके कंट्रोल के लिए कंट्रोल के लिए सीप ट्रीटमेंट करना है या सीप ट्रीटमेंट की जो भी दवा है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे करतान चाहे जीनेप चाहे डेट चाहे नेम 45। ठीक, एग्रोसन जी यही करेंगे। ठीक, करतान की नेम जो भी आपका सीप ट्रीटमेंट की दवा है मैं उसको पहले आपको बता चुका हूँ, उस दवा को क्या करनी चाहिए अप्लाई कर देना चाहिए। और डिजीज फ्री, हर डिजीज में कॉमन रहता है डिजीज फ्री सीड लगाना चाहिए, रेजिस्टेंस वाइटी लगाना चाहिए और आपके फील्ड में ज़्यादा वाटर होल्डिंग नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपके खेत में मोजेक लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, इस तरह आपके क्राइसेंथेमम की जो कल्टीवेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक, ओके, थैंक यू। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन बने तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।